हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे सेक्शन 40G ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये सेक्शन कहता है कि ट्रांसफर बाय पर्सन हु इज अनऑथराइज्ड टू ट्रांसफर अक्वायर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली, कि ऐसा पर्सन जो कि अनऑथराइज्ड है प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, लेकिन सब्सिक्वेंटली उसके पास उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन एरेनियसली या फ्रॉडेंटली किसी पर्सन को ये शो करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इसको बेचने के लिए ऑथराइज हूँ, और वो ऐसा कर भी देता है, वो प्रॉपर्टी उस पर्सन को बेच भी देता है। अब अगर वो ऐसा करता है तो एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी, जिसको उसने वो प्रॉपर्टी बेची थी उसके ऑप्शन पे, जब भी ट्रांसफर के पास फ्यूचर के अंदर उस प्रॉपर्टी के अंदर राइट आएगा तो ट्रांसफरी जो है उससे वो प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट जो है वो ले सकता है, उससे वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ए एक पर्सन है, ये बेयर एक्ट के अंदर ये एग्जांपल दिया गया है कि ए एक पर्सन है, वो जो है हिंदू फैमिली के अंदर एक बेटा है, उसको अपने फादर से प्रॉपर्टी मिलती है 3 प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड। ए को अपने फादर से 3 प्रॉपर्टी मिलती है एक्स वाई जेड, लेकिन जेड जो थी वो प्रॉपर्टी उसके फादर ने अभी ए के नाम पर ट्रांसफर नहीं करी थी, वो अपने पास ही रख ली थी। लेकिन ए क्या करता है, सी को जाके ये शो करता है कि ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज मेरी है और मैं इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऑथराइज हूँ, और वो प्रॉपर्टी जो है वो सी के नाम पे ट्रांसफर कर देता है। लेकिन इसके बाद सी को ये पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी जेड थी वो अभी भी ए के फादर ने अपने पास रखी हुई थी, वो ए के नाम पे ट्रांसफर नहीं की थी। तो सी के पास ये राइट आ जाता है कि जब भी ए के पास ये प्रॉपर्टी अपने फादर से आएगी, मान लीजिए ए के फादर की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी ए के पास आएगी, तो सी के पास ये राइट है कि वो ए को कंपेल कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम पे ट्रांसफर करें। तो यही सेक्शन 43 के अंदर बताया गया कि कोई ऐसा पर्सन जो कि अनऑथराइज है किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन सब्सिक्वेंटली उसके पास उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है, तो क्या होता है, उसी चीज का सोल्यूशन सेक्शन 43 देता है कि अब वो पर्सन जो है उसको उस प्रॉपर्टी को उस पर्सन को बेचना ही पड़ेगा जिसको उसने एरेनियसली या फ्रॉडेंटली ये शो किया था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऑथराइज हूँ। तो हमारा सेक्शन 43 हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि सेक्शन 44 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है।